हेलो दोस्तों, जय हिंद। सैनिक आईटीआई यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। दोस्तों, आप लोग एकदम उदास हो गए थे, हताश हो गए थे कि सर एग्ज़ाम अब नहीं हो रहा है, आप लोगों ने पढ़ना छोड़ दिया था। अब कहेंगे सर आपको कैसे पता लग गया। आप लोग जब पढ़ते हैं ना तो हमको व्यूज दिखता है उस पर, हमारे यूट्यूब उस पर आप लोग पढ़ रहे हैं। दोस्तों, आप लोग पढ़िए, क्योंकि आपका जो है नया फेज जारी हो गया है। क्या हो गया है नया फेज? 4 जनवरी 2022 से 9 जनवरी 2022 तक टोटल बच्चे हैं 1,02,972। कितने? फिर सुने, 1,02,972 बच्चों का एग्जाम होना है। दोस्तों, तो आप लोग पढ़िए, एकदम तुरंत लग जाइए पढ़ने के लिए। चलते हैं, देखते हैं कहाँ कहाँ एग्जाम होना है, कौन कौन जिला है, कहाँ कहाँ सेंटर बना है। देखते देखिए पर कहाँ पर है, आगरा। देखिए आगरा पर है, अगर आपका सेंटर बना एक, देखिए ना लिखा ना, देखिए लिखा ना असिमेंट डिजिटल जोन। ठीक दोस्तों, फिर देखिए अलीगढ़, यहाँ बना है त्रिवेदी कॉलेज ऑफ आईटी एंड मैनेजमेंट। ठीक दोस्तों, इलाहाबाद देखिए, यहाँ बना एक एसपी कन्वेंट, अम्बेडकर नगर, अमेठी, औरैया, अलीगढ़, बागपत, बहराइच, बलिया। देखिए बलिया में बना है 3 सेंटर। देखिए बलिया बना है गवर्नमेंट आईटीआई सीआर, फिर बलिया बना है ब्रैंडवेयर कंप्यूटर, बलिया बना है डांडर गणेशी जो है प्रसाद इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बलरामपुर में एक बना है, बांदा में एक बना है, बाराबंकी, बरेली, बस्ती, बिजनौर, चित्रकूट, देवरिया, इटावा, फैजाबाद, फैजाबाद, फर्रुखाबाद, फतेहपुर, गाजियाबाद, गाजीपुर। देखिए यहाँ बना है हमारा गवर्नमेंट आई टी गाजीपुर, सिर्फ एक खंड बना है। ठीक, तो गोरखपुर देखिए, गोंडा है, गोरखपुर है, हमीरपुर, हरदोई, हाथरस, जालौन, जौनपुर, झांसी। दोस्तों मतलब कि जिला वाइज जहाँ जहाँ सेंटर बना है यहाँ पर नाम दिया। दोस्तों वो लंबी लिस्ट देखिए, कौशाम्बी, ललितपुर, महोबा, मथुरा, मऊ, मेरठ, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, प्रतापगढ़। दोस्तों देखिए, सहारनपुर, सरास्ती, सिद्धार्थनगर, देखिए सोनभद्र, सुल्तानपुर, उन्नाव, वाराणसी। ठीक दोस्तों, तो ये जो सेंटर दिए हैं, देखिए यहाँ पर सेंटर दिए हैं कि सेंटर कहाँ बना आपका है, मतलब कि एक जिले में कै बना सेंटर। ठीक दोस्तों, तो फिर देखते हैं अभी क्या है कि ये आपका जो है यहाँ पर देखिए दिया शिफ्ट, देखिए क्या दिया है, यहाँ पर शिफ्ट दिया है। देखिए जो 4 से स्टार्ट है, देखिए कितना बैच 1 बैच 2 बैच 3, मतलब कि आपका एक दिन में 3-3 बैच चलेगा। दोस्तों क्या चलेगा, 3 बैच, मतलब एक दिन में आपको 3 परीक्षाएं मतलब होंगे 3 बैच के, मतलब सुबह होगा, दोपहर में, शाम को। देखिए फिर देखिए 5 को भी शाम, देखिए 1 2 3 बैच, देखिए है ना, देखिए ना, देखिए फिर देखिए देखिए बैच 1 बैच 2 बैच 3, फिर देखिए 7 को भी वही है बैच 1 बैच 2 बैच 3, फिर देखिए 8 को 9 को। दोस्तों तो ऐसे ही बच्चों को परीक्षा होने दोस्तों है, तो आप लोग एकदम लग जाइए है ना, आप लोग लगातार अपने विद्यालय पर संपर्क करिए या संपर्क रहिए, नहीं एग्जाम छूट जाए। क्यों कि इस बार इतना ही उल्टा सीधा एडमिट आ रहा है बच्चों का कि कुछ पता चल रहा है। दोस्तों हम लोग खुद परेशान हैं, स्कूल वाले आप तो मना पढ़ते हो, इसलिए जो है आप लोग फटाफट अपने अपने आईटीआई में संपर्क कर लीजिए और करते रहें, और पर डे बोलिए सुबह फिर शाम को फोन, क्यों सर क्यों कि नहीं एग्जाम जो छूट जाएगा। देखिए यहाँ पर नीचे देखिए, देखिए नीचे चले, देखिए देखिए टोटल 1,02,972, मतलब कि 4 जनवरी से लेकर 9 जनवरी 2022 तक 1,02,972 बच्चों का एग्जाम होना है। ठीक दोस्तों, तो फटाफट पढ़िए आप लोग। मैं आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग सैनिक ड्राइव सर्च करेंगे यूट्यूब पर, वहाँ पर दोस्तों इलेक्ट्रीशियन जो है सेकेंड ईयर, फिटर सेकेंड ईयर, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल सेकेंड ईयर, और वर्कशॉप कैलकुलेशन सेकेंड एंड साइंस सेकेंड ईयर, वहाँ पर दोस्तों जो वीडियो हम बना रहे हैं आपको हिंदी में भी है, इंग्लिश में भी है, तो पढ़िए आप लोग। और उसका जो पीडीएफ कहाँ मिलेगा आपको, टेलीग्राम पर। ठीक दोस्तों, तो वहाँ पर आप जाएंगे टेलीग्राम पर तो आपका जो अबाउट में लिंक दिया गया है या आपको डिस्क्रिप्शन लिंक दिया गया है, वहाँ जाके उसको जो आप लोग पक्का पीडीएफ को डाउनलोड करें। ठीक दोस्तों, अच्छा आप बात करें जो इसका पीडीएफ दोस्तों आपको टेलीग्राम मिल जाएगा, क्या मिलेगा वहाँ पर आप लोग जाके उसको डाउनलोड करेंगे। ठीक दोस्तों, तो फिर रिक्वेस्ट आपसे है कि आप लोग फटाफट अपने अपने आईटीआई में फोन कर लेंगे, क्योंकि परीक्षा स्टार्ट हो गई है दोस्तों। ठीक है, तो
आज इतना ही, धन्यवाद।